नमस्कार, मैं आपके साथ हूं संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस दवा का प्रयोग करके आप अपनी फसल के कुंठित पत्तों को खोल सकते हैं। देखा जाए तो कभी कभी फसल के पत्ते, अधिकांशतः सब्जियों की फसल के पत्ते कुंठित हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से सिकुड़ जाते हैं या फिर आपस में लिपट जाते हैं। ऐसे में वे अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और कभी कभी इन्हीं सिकुड़न के चलते हुए उन पर पीले धब्बे पड़ते हैं और उसके बाद सड़ने लगती हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि उस सिकुड़न को दूर किया जाए, वो जो पीले धब्बे पड़ रहे हैं वो ना पड़े, जो उनकी सड़न है उसे रोका जाए। इसके लिए हम दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं किस दवा का हमें प्रयोग करना है। इस रोग से फसल के बचाव के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन का यूज करना है। इस दवा के प्रयोग से आपकी फसल फिर से अपने सामान्य अवस्था में आ जाएगी, अपना ग्रोथ करने लगेगी। प्रयोग तो के आधार पर मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताना चाहूँगा जिसके प्रोडक्ट आपको सबसे पहले खरीदने की ज़रूरत है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं तो आप दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में सबसे पहला नाम आता है टाटा का। टाटा के आपको मिलेगी ब्लाइटॉक्स के नाम से। अगर आपको ब्लाइटॉक्स नहीं मिल रहा है तो घड़ा केमिकल्स का आप क्यूटॉक्स ले आइए। अब ये भी नहीं मिलता है तो फिर आप धानुका, सेजेंटा, एडामा और बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी का भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आपको ब्लाइटॉक्स मिले। अगर ब्लाइटॉक्स और क्यूटॉक्स नहीं मिलता है तो फिर आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। ऐसा नहीं कहता हूँ कि अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट खराब हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रयोगों के आधार पर क्यूटॉक्स और ब्लाइटॉक्स के परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन जो आपको दिख रही है उसी का ले लीजिए, या फिर और कोई कंपनी मिलती है तो उसका आप ले सकते हैं। हाँ, अगर स्टेप्टोसाइक्लिन नहीं मिल पाती है, स्टेप्टोमाइसिन मिल जाती है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी पीले धब्बों को रोकने के लिए ही काम करती है। आज की नई जानकारियों के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।